हॉस्टल हुआ करता था। ये हॉस्टल में अगर एक रूम में देखोगे तो यहाँ पे इस रूम में देखो पढ़ने के लिए एक मतलब एक बच्चा को एक ही रूम अलाउ होता था। एक रूम में इसी में रहना है पढ़ना है। हाँ सर ये बताइए फिर। हाँ बुराई है वो बताइए ना। हम प्रवेश कर रहे हैं नालंदा जो हमारा विश्व धरोहर हुआ करता था बिहार के आन वान शान एक समय पे उसके प्रांगण में प्रवेश करने वाले हैं। ये हमारे नेताजी रहे जो कि आईडीएमएस में अभी आई रियल वाले डॉक्टर को तो अंडर एस्टिमेटेड कर रहा है। ये देखो इधर पूरा नालंदा का ये मेन कैंपस हो गया जहाँ पे हमारे पूर्वजों का क्लास चलता था पढ़ते थे। मेन तो अभी अंदर वाला पार्ट में देखने को मिलेगा जहाँ पे सभी बस इंटर हो रहे हैं कैंपस के अंदर। ये हमारे प्रदीप जी हुए। प्रदीप जी को दिखाओ। प्रदीप जी दिखाइए। क्या रोस सस्पेंशन ब्रिज कुआं दीवाल का चौड़ाई लगभग सनी या कितना होगा? दीवाल का चौड़ाई तकरीबन 40 इंच से भी ज्यादा क्योंकि हम लोग का घर हुआ करता था 20 और ये पहले वाला। ये भी प्यार मोहब्बत का प्यार मोहब्बत का नहीं हम कोई निपानी भी में ये डॉक्टर सामने होने डॉक्टर बने भाग रहा है। इधर हॉस्टल हुआ करता था। ये हॉस्टल में अगर एक रूम में देखोगे तो यहाँ पे इस रूम में देखो पढ़ने के लिए एक मतलब एक बच्चा को एक ही रूम अलाउ होता था। एक रूम में इसी में रहना है पढ़ना है जो करना एक बच्चा को एक रूम मिलता था। एक और कमरा वही है उसी टाइप से होगा। ये जो था ना ये दीवार अच्छी था लॉकर था उसमें इतना मजबूत कि पूछो मत खोल नहीं सकते हो तोड़ नहीं सकते हो अंदर घुसता था इस तरीके से। तो ये है दीवार की मोटाई तो पहले न है क्या है हाइट देखो उस समय कितना भी गर्मी पड़ने पे अब कौन तरीका से बनाया था कौन ये मटेरियल का यूज किया था अभी तक कुछ को नहीं हुआ मतलब यहाँ बना दो बिना प्लास्टर का आज पुल बना कर ले गया जबरदस्त था इसका अभी बना रहा है उधर वाला साइड वाला में दिखाओ सर मंत्री जी का बने से दिखाओ। मंत्री जी आ रहे इसको स्विमिंग पूल बोल सकते हैं। पांडु पोखर यहाँ नहीं नहाने का सुविधा सब एक तरीके से पानी भरा रहे तालाब में राजा महाराजाओं का कैसे हुआ करता था उस तरीके से। और उधर लगता है कि चेंजिंग रूम था अभी का देखने से पता चलेगा। चलिए बड़ा वाला कमरा देखते बड़ा वाला कमरा में क्या कर दिया अंदर। रोशन भैया जाते हैं तो रतिया हम सेटिंग कर देते हैं। हम मन्नत है हम डाल दिए सिक्का है बसंत एक महीना पेट्रोल भरे में सही एक डॉलर मिल एक ही डॉलर होगा बेसी होगा हम लोग इंडियन करेंसी है ना बाकी मुझसे भी डालता होगा। हाँ वो लोग अपना डालता होगा देख देख सकते हैं कुछ रूम ही उधर यहाँ पे काला ज्यादा पूरा लगा जमीन में।
तो ले ले दोस्तों, तो तुम तो भाई सब को जाता ना, तू ऊपर का था ना, पता ना बुद्ध क्या बोल रहा है। महाभारत के समय कि देखो अगर तुम देख रहे हो तो तुम भी उस पापी के भागदार हो। महाभारत नहीं है, ऐसा नहीं है कि तुम ना हो, तुम देख रहे हो तो नहीं कहते हो उसको, तो जाओ तुम को रोक सकते थे आप। अभी भी समय है। रावण ने एक बात बोला था, रावण का बोला रावण बोला था भाई कोई गलती करे लेकिन उसका साथ दो, चाहे वो रेपे का है ना, उसका विरोध मत करो। भाई भाई इसीलिए ना थोड़ा दिक्कत हुआ उसको ज्यादा। हाँ लेकिन देखो तुम्हारे पास अभी समय है, महाभारत लेकर चले ये जेल सैनी भैया सोचा ना क्या कि बिहार में क्या करें, तो बहुत सोचने के बाद लगा कि इतना बचा के रखना बहुत जरूरी है। बताओ क्या है, ये क्या हो सकता है, इसमें पैसा बिगड़ा होता है, रोशन कुछ कहना होता है, कुछ कहना होता है, ये आपको ऊपर से खंडर दिखाने का कोशिश करेंगे। ये सबसे टॉप पे आ गए हम, अभी नालंदा खंडर के टॉप पे भी हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए ये गांव नालंदा खंडर यहाँ से लगभग आपको दिख जाएगा। टेनेक्स में दिखाते हैं हर जगह। काफी बर्बाद किया था किसी ने, कोई अपने प्यार का नाम लिखा है, खुशी मनी अमितीस, कोई कोई तो यूपीएससी लिखा है, कोई कोई यूपीएससी लिखा है, यहाँ भी यूपीएससी, पता नहीं सीरियस एस्पिरेंट होगा। देखिए कुआं और ये हॉस्टल है स्टूडेंट के लिए, सिंगल रूम, जिधर स्टार्टिंग में बताए थे वैसा ही सेम है। एक कमरे का रूम था पहले जो हुआ करता था, सेम वही स्ट्रक्चर। रेटिंग दीजिए सर। रेटिंग 4.5 out of 5। अब भैया के मेहनत को, गर्मी के लेकर थोड़ा सा टेस्ट, गर्मी में अंदर का अच्छा खाना भी खराब रहता है। हाँ हमारे सन्नी भैया